बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा आज सीमांत जिले चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में जिला स्तरीय अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही अधिसूचित सेवाओं और उनकी शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के भीतर किए जाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में बताया गया कि चमोली जिला सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में 96.2% स्वीकृतियों के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। अपनी सरकार पोर्टल में भी अन्य जिलों की तुलना में चमोली का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सेवा का अधिकार आयोग के उपसचिव एसएस पांगथी ने बताया कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 51 विभागों की 963 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 387 सेवाओं का संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि अन्य विभागीय सेवाओं का संचालन ऑफलाइन किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी अधिकारी और अपने अधिकारियों को आयोग के जो निर्देश हैं, जो अधिसूचित सेवाएं हैं, उनको उनके लिए जो समय सीमा निर्धारित है उसमें सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा की गई। और जो सेवाएं प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर जनता को उपलब्ध कराती हैं उसका समय से विभागीय पोर्टल प्लस जो एनपीआर के माध्यम से शासन को भेजने के भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। बहुत बेहतर अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद हम प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचनाएं दी जाती है उसके संबंध में अपने कार्यों को बेहतर संपादित करने में सक्षम होंगे। सेवा का अधिकार यानी आम जनता को जरूरत पड़ने पर कुछ सार्वजनिक सेवाएं तय समय के भीतर मिलें। इस कानून के तहत तय समय सीमा में काम का निपटारा करना संबंधित अधिकारियों की बाध्यता होती है।